इस वक्त की बड़ी खबर रीवा जिले से आ रही है, जहां विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत अनंतपुर के शिवनगर के पास की घटना बताई जाती है। बताया जाता है कि अमन मिश्रा पिता अरुण मिश्रा सुबह 8-9 बजे रैली के लिए कहकर अपने घर से निकला था। वही दोपहर 12 बजे के आसपास उसके दोस्त के द्वारा परिजनों को सूचना दी गई कि अमन को रैली के दौरान हाथ में किसी ने गोली मार दी है। किस कारण से इस घटना को अंजाम दिया गया इसका अभी पता नहीं चल पाया है। वहीं घायल का इलाज संजय गांधी अस्पताल में किया जा रहा है। सूचना के बाद विश्वविद्यालय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच में जुट गई है। नाम अरुण मिश्रा है। ये गोली लगी है, कौन है आपके? मेरा बेटा अमन मिश्रा है। सुबह 8:30 बजे वो तिरंगा रैली यात्रा में निकला था। घर से बता दिया कि रैली में जा रहे हैं। वो 12 बजे के आसपास उसके दोस्तों के द्वारा फोन आया कि पूरे अंकल संजय गांधी हॉस्पिटल आ जाइए, अमन को गोली लगी। जब मैं यहाँ आया तो विश्वविद्यालय के पुलिस वाले यहाँ लेके आए थे। कौन से मोहल्ले की घटना है ये बता रहे हैं? शिवनगर मोड़ की, अनंतपुर की। आप लोग कहाँ रहते हैं अभी? वही अनंतपुर में चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल। किनके द्वारा जो गोली मारी गई है कुछ ये अपने को मालूम नहीं है। किसी के ऊपर कोई संदेह नहीं, क्या बता सकते हैं किसके ऊपर संदेह? क्या नाम बेटे का? नाम क्या है? अमन मिश्रा। उम्र क्या होगी? वो 16 साल है। कोई पुरानी नहीं है? पुरानी कोई